तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। इसमें हमने एक डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। अब अगर आप इस प्लेट पे देखेंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा प्लेट पे, ठीक है, और यहां प्लेट पे कैसा चार्ज होगा बेटा, हाँ, इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि डाइइलेक्ट्रिक पे, तो डाइइलेक्ट्रिक पे यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया होगा, ये समझ में आया। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इस डाइइलेक्ट्रिक पे एक फोर्स लगेगा इनवर्ड्स। क्यों? अरे देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा या पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, क्लियर? तो ये इसको अपनी ओर अंदर की ओर सक करेगा। अब मैं आपको ये गैप दे रहा हूं, मान लीजिए जब मैंने इसको इंसर्ट किया तो लेट से ये डिस्टेंस मेरा क्या था, x, कुछ इंसर्ट कर दिया, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, x की कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इसका वैल्यू लिखा रहा हूं। f की जो वैल्यू आती है इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, ये फोर्स आपका आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट विड्थ v स्क्वायर, जहां पे v जो है वो आपकी बैटरी का पोटेंशियल है, k माइनस वन, k जो है वो मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय d, ये मेरा फोर्स आता है, ओके। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊं, ये फोर्स मेरा कैसा हो गया, कांस्टेंट। समझ में आया? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ओमेगा वी स्क्वायर के माइनस वन अपॉन डी, ये फोर्स इस पे लगेगा और ये स्लैब अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ड्रैग फोर्स या कुछ और एज्यूम नहीं कर रहे हैं तो सोचिए, जब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा भाई, ये यहां पे जाके रुक थोड़ी जाएगा, यहां से लेके यहां तक इस पे एक फोर्स लगा हुआ है। ओके ओके ओके, तो एक डिफरेंट अप्रोच, फिर से मेरे पास प्लेट है, ठीक है, ऊपर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। अब जब मैं डाइइलेक्ट्रिक इस पे, मान लीजिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये गैप आपका डी है, तो जब मैं इस पे क्या करूंगा, डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करूंगा, तो डाइइलेक्ट्रिक के इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस साइड पे कह लीजिए स्लैब की, और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये क्या है बेटा, क्यू इंड्यूस। ये हम शुरुआत में कैपेसिटर जब हमने पहले दिन पढ़ा था, पहला लेक्चर, उसमें हमने बात की। अब ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी, इधर की ओर पुल कर रही होगी, ऑब्वियसली फोर्स ऐसे कहीं आ रहा होगा, ठीक है, इस पॉजिटिव पे फोर्स इधर आ रहा होगा, तो इसके ये वाले कॉम्पोनेंट तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे कौन से, ये वाले, तो इनका कुछ सम आएगा और वो फोर्स आएगा कितना, एफ। इस एफ की वैल्यू मैंने आपको बताई, कितनी आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट विड्थ वी स्क्वायर के माइनस वन अपॉन डी। अब देख इसमें है क्या, एप्सिलॉन नॉट, what is epsilon naught, permittivity of free space, ये तो fix होती है ना, constant है। अब तूने कोई plate ली हुई है, उस plate की width उस particular condition के लिए क्या होगी, constant। battery तूने लगा दी है, उसका potential थोड़ी change हो रहा है, dielectric लिया हुआ है, उसका k fix है, और plate के बीच का gap d भी क्या है, fix है, तो ये f की value क्या होगी, कॉन्स्टेंट। ये समझ में आया? तो एक कॉन्स्टेंट फोर्स से ये आपका जो स्लैब है ये अंदर की ओर चला जाएगा। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये जो मेरा स्लैब है इस पे अगर फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, ये आगे की ओर मूव करना चाहेगा, यस, फोर्स लगेगा तो ये आगे की ओर शिफ्ट करेगा ना,
वहां से मैं नेक्स्ट पोजीशन डिफरेंट कलर से बना देता हूँ बेटा, ठीक है, ये ब्लैक कलर से बना दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, लाइक दिस, ये यहां कहीं पहुंच गया होगा आगे बढ़ के, लेकिन यहां से लेके यहां तक इस पे कुछ फोर्स लगा है तो वर्क डन हुआ होगा ना, क्लियर है? और जब ये वर्क डन हुआ तो इस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आई होगी, अरे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ए, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं इक्वेशन, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं, इसका मतलब जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां पे इसके पास कुछ v स्पीड हो तो ये यहां से बाहर निकलेगा, और कहां तक बाहर जाएगा, जब तक ये इस स्लैब से सेम x बाहर ना आ जाए, इस तरह से, और फिर यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो, फिर इधर की ओर पुल होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अंदर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा ये SHM नहीं है, SHM में आपको पता है ना ये ऑसिलेशन है, कई बुक्स में ये टर्म लिखते हैं कि ये ऑसिलेट कर रहा है, बेटा ये कांस्टेंट फोर्स है, ऑसिलेट कर कैसे सकता है, हाँ इधर उधर जा रहा है वो बात सही है, कि वो अंदर जाके रुकेगा नहीं, वो अंदर जाएगा दूसरी साइड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, सेम एक्स पे जाके रुक जाएगा, जैसे सिंपल पेंडुलम में किया था, बट सिंपल पेंडुलम में मोशन कैसा था, SHM, यहां पर SHM नहीं होगा, ये इधर जाएगा और ऐसे मूव करता है, आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इस पे एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, और इस पे आपका एक डाइइलेक्ट्रिक है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है, प्लेट का गैप दिया हुआ है के, ओ सॉरी डी, और इसकी विड्थ दी हुई है प्लेट की इस तरह से डब्ल्यू, ठीक है ना, ये प्लेट ऐसे होगी और ये आपका डाइइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से होगा, ओके, अब यहां पर इसके आगे क्वेश्चन बनाने में कुछ ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े कर दो, यहां से एक पुली से एक मास हैंग किया हुआ है, ठीक है एम, और आपसे पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम सो दैट के विल स्टिल रिमेन इनसाइड, ठीक है जी, हां जी, तो कैपेसिटर के साथ एक बिल्कुल फोर्स का क्वेश्चन ऐड कर दिया गया, ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, भाई ये रुका हुआ है ना अभी, ये एक्सेलरेट तो हो नहीं रहा है सिस्टम बिल्कुल, किसी का आंसर भी आ गया देखिए, बिल्कुल mg is equal to f होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, ये आपका mg है और ये आपका टेंशन है, एक्सेलरेशन आपका जीरो है, यहां से t is equal to mg हो जाएगा, और इस स्लैब की अगर आप बात करोगे तो इस पे एक टेंशन इधर लग रहा होगा और ये f लग जाएगा, f अभी अभी मैंने आपको बताया था, है ना, f की वैल्यू थी हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, विड्थ v स्क्वायर k माइनस वन अपॉन d इज इक्वल टू एम जी, बस m की वैल्यू यहां से आ जाएगी, g से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको दे देगा m इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ओमेगा v स्क्वायर k माइनस वन अपॉन d g, एक लाइन का मतलब, कई बार अगर आपको याद है तो आपको कैलकुलेट करने की, यहां तो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको, वहां तो आपको सीधा ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि क्या आंसर,
ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया कैपेसिटेंस।